हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आज आपके लिए एक ड्रोन लेकर आया हूं जो कि DJI की तरफ से है और इसकी जो मॉडल नंबर है वो है फ्रेंड्स DJI Tello। दोस्तों ये DJI की सबसे छोटी ड्रोन कही जाती है। ये DJI के इसके ऊपर आपको स्पार्क मिलेगी और उसके बाद मैविक प्रो में जाते हैं, मैविक में जाते हैं, बट ये DJI की जो सबसे छोटी ड्रोन है उसमें से गिनी जाती है। फ्रेंड्स ये मुझे जो DJI की कंपनी है वो तो आपको पता ही है, DJI बेस्ट ड्रोन्स बनाती है। ड्रोन्स मैन्युफैक्चर में DJI की बहुत अच्छी नाम है, आपने DJI के बारे में सुना ही होगा। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको DJI कि ये जो टेलो ड्रोन है, मैंने तो इसे अनबॉक्सिंग कर चुका है पहले ही और फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें है क्या चीज़। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो बॉक्स है, इसके बॉक्स में आपको यहाँ पे मिलती है ये रहे आपकी DJI जो कि अनबॉक्स्ड है। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये 13 मिनट्स ये फ्लाइट टाइम है। जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बता दूँ पहले, हाँ ये रही, ये जो है इसकी जो फ्लाइट टाइम है वो मैक्सिमम 13 मिनट्स है। प्रिसाइज होवरिंग है, 5 मेगापिक्सल कैमरा है। फ्रेंड्स इसमें जो 5 मेगापिक्सल है वो अदर्स ड्रोन से, जो नॉर्मल कंपनीज़ की ड्रोन्स होती है उससे इसकी जो 5 मेगापिक्सल की ड्रोन कैमरा है, सॉरी, ये बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छी है। इससे आपकी जो पिक्चर क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलती है। सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि ये 720p में जो है HD ट्रांसमिशन भी करती है प्लस HD वीडियोज़ भी बनाती है। तो अगर आपको नाइट शॉट लेना है, नाइट शॉट नहीं अच्छी आती नहीं है, अगर आपको शॉट्स लेने हैं या फिर वीडियोस बनाने हैं या फिर दोस्तों के साथ कहीं गए हैं घूमने, उसके लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ आपको मल्टीपल फ्लाइट मोड्स मिलता है। मल्टीपल फ्लाइट मोड्स मीन्स इसमें 5-6 तरह की जो फ्लाइट मोड्स है, जैसे बाउंस मोड है, मैं आपको आगे बताऊँगा। ईजी ऑपरेशन है और इसमें जो है आपको टेलो SD के ये प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल होने के कारण आप ये, चूँकि मैं पहले आपको बता दूं, ये रही, ये आपको देख ही पा रहे हैं इंटेल इनसाइड लिखा हुआ है। इंटेल की ओर से इसकी जो चिपसेट है प्रोग्रामेबल है और इसमें आप ये जो गूगल प्ले स्टोर से अगर ये स्क्रैच डाउनलोड करते हैं एक एप्लीकेशन, तो आपको आप इसमें ब्लॉक SDK जो है, ब्लॉक SDK से आप रिकॉर्ड कर सकते, ब्लॉक SDK से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ इसमें आपको मिलता क्या है अलग से। सबसे पहले ये तो अनबॉक्स्ड है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है। फ्रेंड्स ये बहुत सारे पन्नों का आपका यूज़र मैनुअल है और यहाँ पे जो आपको मिलता है वो है एक एक्स्ट्रा प्रॉपलर्स। यहाँ पे आपको 4 प्रॉपलर्स दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा प्रॉपलर्स हैं यहाँ पे लाइक दिस, ये रही आपकी 4 प्रॉपलर्स एक्स्ट्रा। और ये है ओपनर जो इसको ओपन करता है, मतलब आप रिमूव कर सकते हैं जिससे आपके प्रॉपलर्स को। और इसके साथ आपको ये 4 लाइक दिस, ये आपके प्रॉपलर गार्ड्स हैं, इससे आपकी प्रॉपलर्स सेफ़ रहती हैं, कहीं टकराती है या फिर आप नए हैं तो इसके लिए बहुत अच्छी है। और फ्रेंड्स इसमें तो कुछ ज़्यादा कहने का है नहीं, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों इसके साथ आपको जो स्पेशल चीज़ जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है। अगर आप कोई फोटो लेते हैं, कुछ इमेज लेते हैं या फिर वीडियोस बनाते हैं, तो आपकी जो वीडियोस या फिर इमेजेस हैं वो शेक नहीं करेंगी। यहाँ पे आपको दिखा हुआ है जो कि इंटेल की तरफ से है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। प्लस इसके साथ आपको जो मिलता है एक्सेसरीज जो है, ये सोल्ड सेपरेटली है। फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे लाइक दिस, एक्सेसरीज आपको अलग से ख़रीदनी पड़ती हैं जो कि रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल किस काम में आता है मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे बैटरी चार्जिंग जो हब है, मतलब आप इसके साथ 3-4 बैटरीज एक साथ लगा सकते हैं। और सेपरेट जो इसकी कवर टॉप्स हैं, टॉप कवर्स हैं, वो आप इसको अलग से परचेज़ कर सकते हैं। प्लस ये इसकी जो एप्लीकेशन है टेलो, वो आपको गूगल प्ले में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर में भी आपको मिल सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी जो बैटरी है वो यहाँ से रिमूवेबल है, आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं लाइक दिस। ये जो आपकी बैटरी है वो है फुली मैक्स की तरफ से। और अगर मैं आपको जूम करके बताऊं इसकी स्पेसिफिकेशन, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो मॉडल नंबर है मेंशन्ड, और ये 3.8 वोल्ट की है।
ये रही। चलिए फिर आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। आपको यहाँ से ऐसे डालना होता है। और मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो ड्रोन है ये आपको DJI की लोगो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको पावर्ड बाय DJI। और ये जो इसकी चार्जिंग हब है, चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से आपको चार्ज करना होता है। और ये जो है ये आपके सेंसर्स है, ये आपको सेंसर्स कब काम आएंगी मैं आपको बताता हूँ बाद में, अंधेरे में या फिर अंधेरे में फ़्लाइट करते वक्त, या फिर कितनी डिस्टेंस है, या फिर आपकी फ़्लाइट सिचुएशन कैसी है, हवा कैसी चल रही है, उसके कारण से ये आपको काम में आएगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे और देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। दोस्तों कुछ फ़ीचर्स यहाँ पे दी हुई है, 13 मिनट जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है मैक्स फ्लाइट टाइम है, और प्रिसाइज होवरिंग है, 5 मेगापिक्सल कैमरा है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स इमेज स्टेबलाइजेशन है, 720p की जो ट्रांसमिशन है। कुछ फ़ीचर्स मैं आपको अलग से बताता हूँ जो यहाँ पर रिटर्न नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 2 एंटेनास मिलता है इसके अंदर में आपको मिलता है, जो कि ऑटो स्विचेबल है। प्लस इसके साथ मिलता है जो आपको ऑटो टेक ऑफ या फिर ऑटो लैंडिंग का भी ऑप्शन है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आप फ़ोन से ऑपरेट करते हैं या फिर इसके साथ जो अलग से रिमोट होती है, सॉरी रिमोट कंट्रोल है, उससे आप ऑपरेट करते हैं, तो इसको ऑटो लैंड या फिर ऑटो टेक ऑफ कर सकते हैं। लो बैटरी जो प्रोटेक्शन है, लो बैटरी प्रोटेक्शन में क्या होता है कि अगर आपकी बैटरी लो होती है, बहुत डिस्टेंस में जाती है, आपको ये फ़ोन पे इंडिकेशन देगा, रेड जो इसकी लाइट है वो रेड लाइट इंडिकेट करती रहती है, और आपको फ़ोन पे भी बताएगा कि आपकी जो बैटरी है वो डाउन होने वाली है। इसके साथ आपको एक विजनिंग पोजीशनिंग सिस्टम मिलता है जो कि ये है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये लैंडिंग करने के वक्त या फिर आपको हवा की गति कैसी है और ये किस दिशा में इसको जाना है वो डिसाइड करता है। और इसके साथ आपको जो मिलता है वो है फॉल्स सेफ प्रोटेक्शन। फॉल्स सेफ प्रोटेक्शन क्या है फ्रेंड्स, अगर आप इसको लैंड करते हैं तो लाइक दिस ये एकदम ऐसे करके आपको यहाँ पे गिर नहीं जाएगी, वो लैंड करते वक्त ये धीरे धीरे आपके यहाँ पे गिरेगी। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा वक्त ना गुजारते हुए मैं हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी फ़्लाइट और देखते हैं ये कैसी उड़ती है, कैसी होवरिंग करती है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं इसे होवरिंग करने की कोशिश करते हैं, कैसे ये फ़्लाइट करते हैं। सबसे पहले मैं जो आपको बता दूँ कि मेरे पास एक फ़ोन है एंड्रॉयड की लाइक दिस, और ये जो है मेरी टेलो ड्रोन। ये रही आपकी जो बटन, जो पावर बटन आपको ऑन करना है, आप इसे पावर बटन को ऑन करते हैं, और ये देखिए आपकी जो लाइट्स है ग्रीन पिंक येलो रेड, जब ये ऑरेंज लाइट ऑन हो जाएगी लाइक दिस, हाँ अब आपको इसे कनेक्ट करना है। मैंने वाईफाई में वाईफाई सेटिंग्स में गया इसकी, और ये रही आपकी जो टेलर ड्रोन है, इसमें मैंने क्लिक किया, इसे कनेक्ट करना है आपको, मैंने कनेक्ट कर दिया और ये कनेक्टेड, आप देख पा रहे हैं कि ये कनेक्टेड हो चुका है। अब आपको जो ऑन करना है वो टेलो की एप्लीकेशन है जो कि मैं प्ले स्टोर से डाउनलोड कर चुका हूँ पहले ही। अब देखते हैं ये फ्लाइट कैसे करता है, और ये मैं दिखा दूँ कि फ्लाइट फ्लाइट कैसे करता है ये। चलिए देखिए इमेज आप देख ही पा रहे हैं कि बड़ा ही क्लियर इमेज है, मैं और मेरे फ्रेंड हैं यहाँ पे आपको दिखाते हुए, और लाइक दिस आप देखिए इसकी जो क्लियर इमेज कितनी क्लियर आ रही है, बिकॉज ये 5 मेगापिक्सल की है, HD रिकॉर्ड करती है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे, मैंने इसको यहाँ पे रखा है। ये जो मेरी है ड्रोन यहाँ पे रखी हुई है, एंड ये हुई मेरी फ्लाइट स्टार्ट, टेक ऑफ, टेक टू टेक ऑफ, स्लाइड टू टेक ऑफ।
मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको जो दिखाई जा रही है फ्रेंड्स, अगर मैं इसे ज़ूम करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये 0.3 मीटर से ये आपको दिखाया जा रहा है, 0.3, और ये जो है आपको दिखाया जा रहा है हाई स्पीड, आपकी स्पीड कितनी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे टेलो को देख सकते हैं, इसकी नज़ारा कितनी, इसकी व्यू कितनी बेहतरीन है और ये कितनी डिस्टेंस तक कवर करती है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो वाईफाई की सिग्नल है अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये और भी डिस्टेंस कवर कर सकता है लाइक दिस। अब जाके इसकी जो सिग्नल है वो वीक पड़ रही है, अब मैं इसको लाता हूँ नज़दीक। और यही रही दोस्तों हमारी खास जो ड्रोन है। देता हूँ जो मैं अभी आपके सामने लेने वाला हूँ, मैंने कुछ स्नैप लिया लाइक दिस। चलिए इसके साथ फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पे मिलता है फ्लाइट मोड जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल मोड है, ये सर्कल मोड है, ये आपको बाउंस मोड है, और ये आपको 8D फ्लिप से 8D मतलब जो 4D होता है 3D होता है ये 8D है, मतलब ये 360 रोटेट करता है फ्लिप करने के समय, थ्रो एंड गो है, और ये है 360 मोड अप एंड अवे है। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सर्किल मोड क्या है। सर्किल मोड अगर आप देखें तो ये आपको एक वीडियो बनाएगा लाइक दिस आपके चारों ओर घूमते हुए, ये हुआ सर्कल मोड, मैंने सर्कल मोड को ऑफ किया यहाँ से। इसके बाद आपको यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो है बाउंस मोड। बाउंस मोड क्या करता है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं लाइक दिस आपकी जो ड्रोन है वो बाउंस करेगी लाइक स्प्रिंग। यहाँ पे जो मिलता है वो है 8D फ्लिप्स है। 8D फ्लिप्स आपको मैं दिखाता हूँ, वो है टू एंड गो।
आपका जो ड्रोन है एक ही जगह पे सेंट्रलाइज रहती है और आपके चारों तरफ की एक वीडियो बनाती है लाइक दिस। और अगर आप इसे लैंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लैंडिंग बटन है और यहाँ पे आपको दो लैंडिंग ऑप्शन दिया हुआ है, टैप टू लैंड एंड हैंड लैंडिंग। अगर आप इसको लैंड करते हैं तो ये आपकी जगह पे ही लैंड हो जाएगी और अगर आप इसे हैंड लैंडिंग करते हैं तो यह हैंड लैंडिंग होगी। मैं इसको हैंड लैंडिंग करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स लाइक दिस। तो फ्रेंड्स अगर आप ड्रोन में नए हैं, अगर आपको ड्रोन परचेस करना है तो आप इस टेलो ड्रोन को ज़रूर परचेस कीजिए। बहुत ही खूबसूरत है, देखने में छोटी है और इसकी जो क्लैरिटी बहुत अच्छी है लाइक दिस आप इसको देख सकते हैं, इसकी इमेज क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है। और अगर आप इसे परचेस करते हैं तो आप इसके बाद की जो मॉडल है इसकी DJI स्पार्क वो भी परचेस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स फ़िलहाल मैं इस ड्रोन के जो मज़े हैं वो मैं लेने वाला हूं और मैं इस वीडियो को एंड करता हूं यहीं पे।